उत्तराखंड दे चंपावत स्थित श्री गुरु नानक देव जी की चरण छो प्राप्त धरती गुरुद्वारा श्री रीठा साहब विखे तीन दिनी समागम का प्रबंध किया गया, जिस देश विदेश तो पहुंचिया संगत तो इलावा श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी शिरकत की। समागम के अखीरले दिन श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए तो श्री दरबार साहब के हजूरी रागी जत्थे समेत ढाडी जत्थिया ने संगतों को गुरु इतिहास नाल जोड़िया। इस मौके गुरु साहब नाल जुड़े स्थानों के दर्शनों की संगत को अपील की गई। हर साल जेठ की पूर्णमासी नूं इत्थे सलाना समागम मनाया जाता है। पिछले दो सालां दे विच पिछले साल जदों करोना आरंभ होया उस साल असीं प्रतीकात्मक तौर दे उत्ते इत्थे समागम कीता सी, जिस दे विच संगतां दी शमूलियत नहीं सी, लेकिन उस याद नूं असीं इत्थे थोड़े प्रबंधकां ने और थोड़ियां संगतां ने इकट्ठियां हो के मनाया। और इस साल करोना तो बाद जदों इह करोना काल खत्म होया है तां इस साल फिर महापुरशां दी कृपा दे नाल उन्हां दे जतना सदका और संगतां दे सहयोग दे नाल इस साल फिर ये सालाना समागम बहुत ही वड्डे रूप दे विच मनाया जा रहा है। जथेदार तख्त श्री अकाल तख्त साहब सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और बाबा सुरिंदर सिंह जी दे नाल खास तौर पर इत्थे पहुँचे हैं। ये दीवान अज सारा दिन और अज सारी रात लगातार चलेगा। कल सवेरे जो श्री अखंड पाठ साहब जी दे चार श्री अखंड पाठ साहब आरंभ किए गए हैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की कृपा दे नाल, उन्हां दे कल सवेरे 7 बजे लगभग भोग पैणगे, उस तो उपरंत मेले की समाप्ति होगी। वधिया इत्थे संगतां दी रहायश वास्ते प्रबंध ते बहुत वधिया लंगरां दे प्रबंध है। हुण इस स्थान का जिहड़ा प्रबंध है वो बाबा तरसेम सिंह जी नानक मताले ते इस स्थान दे उत्ते बाबा श्याम सिंह जी जिहड़े ने उह संभाल रहे ने। और सालाना जुड़ मेला इस स्थान के उत्ते मनाया जा रहा, हज़ारों की तादाद में संगत जिहड़ियां पहुंचियां ने। पहाड़ों के विच स्थान है, भावें रस्ते बड़े औखे है, दुर्गम है, लंबे है, लेकिन फिर भी संगत जिहड़ियां ने उह हुम हुमा के इस स्थान के उत्ते पहुंच गईयां ने। मैं समूह संगत बेनती है कि वर चढ़ के इस गुरु स्थान पर आ गए नतमस्तक होन ते अपने आसा मुरादा की इस अरदास करके अपने झोलियां बन। मेरे समूह सिख जगत में बेनती है इस स्थान पर आ के दर्शन मिले कर गुरु घर की खुशी।